कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सरकारी अभियान नौटंकी साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री लोगों को अपील कर रहे हैं कि होली घर पर मनाएं। जब पूरा इंदौर होली का जबरिया लॉकडाउन मना रहा था, उधर इंदौर रोड के ग्रैंड मचल अपना स्वीट्स पर ऐसे में बड़ी संख्या में इतने लोग कैसे खाना खाने पहुंचे, इसमें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर निशानियां सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोगों पर कार्यवाही और प्रभावी लोगों को छूट क्यों दी जा रही है? द ग्रैंड माचल में सैकड़ों लोगों को लॉकडाउन के दौरान खाना परोसना प्रशासन को चुनौती है, जहां लोगों को होली पूजन हेतु जलाने की अनुमति मुश्किल से दी जा रही है और रेस्टोरेंट को खुली छूट के बढ़ते कोरोना पर प्रशासन की पोल खोल दी है। लोगों में किस तरह कानून का खौफ है? फिलहाल तहसीलदार बजरंग बहादुर और बेटमा थाना प्रभारी संजय शर्मा द्वारा द ग्रैंड माचल होटल को सील किया गया है और K10 रेस्टोरेंट पर 10,000 रुपये की चालानी कार्यवाही की गई है। इसी के चलते कवरेज करने जब स्थानीय पत्रकार K10 रेस्टोरेंट पर पहुंचे तो K10 रेस्टोरेंट के आनर द्वारा पत्रकारों को धमकाने की कोशिश भी की गई। ऐसे में सवाल निशान यह खड़ा होता है कि स्थानीय प्रशासन इतनी सख्ती करने के बाद भी इन रेस्टोरेंट पर इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा होने दी और कोरोना गाइडलाइन के पालन में इतनी कोताही क्यों? बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को किसी माध्यम से सूचना मिली थी तो उनके निर्देशानुसार यहाँ पर प्रशासन एवं पुलिस के टीम के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया और इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क लगाना चाहिए, जो कोरोना से संक्रमण के रोकथाम के लिए पर्याप्त जो प्रिकॉशन है वो नहीं किए जाने पाए गए, तो जिसके कारण यहाँ पर ये आज ग्रैंड माचल होटल को सील करने की कार्रवाई। पर कितने लोग जब अनुमानित रूप से लगभग 500 लोग उस समय जब हम यहाँ आए हैं 8:30 बजे के लगभग। ये कोरोना का संक्रमण जो है एक लोक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर प्रत्येक जो रेस्टोरेंट है या किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। तो वो हम मतलब सभी से अपेक्षा करते हैं कि लोग मास्क लगाएं, प्रॉपर सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सर आगे अब इसमें जानकारी का प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर भेजा जाएगा और तदनुसार इस पर कार्रवाई। और भी यदि कोई शिकायत मिलती है तो बिल्कुल जाँच करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ठीक। 9 बजे के पश्चात भी जो रेस्टोरेंट चालू होने का पाया गया, जिसके कारण K10 रेस्टोरेंट के विरुद्ध चलानी कार्रवाई की गई। सर आज द ग्रैंड माचल में भी सर कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ, ग्रैंड माचल में लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी पाई गई और जो COVID-19 से बचाव के संबंध में जो प्रिकॉशंस करने चाहिए उसका वहाँ पर पालन किया जाना नहीं पाया गया, जिसके कारण जो ग्रैंड माचल को सील करने की कार्रवाई। सर इन दोनों रेस्टोरेंट पे कितना रुपए का फाइन हुआ? ग्रैंड माचल को तो सील कर दिया गया है, उसके विरुद्ध प्रकरण तैयार किया गया है और यहाँ जो है 10,000 रुपये का अर्थदंड जो चलानी कार्रवाई K10 के विरुद्ध की गई। सर इसमें जो COVID-19 की गाइडलाइनों का जो जो रेस्टोरेंट और जो रिसोर्ट उल्लंघन कर रहे हैं, बेटमा के अंदर भी ऐसे कई हैं, उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? अब सतत रूप से कार्रवाई की जाएगी, चलानी कार्रवाई करेंगे और यदि लोगों ने सुधार नहीं किया तो उनके विरुद्ध धारा 188 IPC के तहत भी कार्रवाई करेंगे और उनके जो भी मतलब दुकान रेस्टोरेंट है इनको सील भी करेंगे। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।